आप कर कर कभी धोनी के पास जाती हैं, कभी नांदिया के पास जाती हैं और एक बात कहती हैं, धोनी तू ही अब चेत तलक तो से जागे धोनी वाले वरदे तू ही कुछ युक्ति बता भोला की समाधि खुलवा। महाराज मैया का रो रो करके हाल बेहाल है, एक दो चार साल नहीं, दस बीस पचास साल नहीं, भोले बाबा ने अपनी 87,000 साल तक समाधि लगाई। 87,000 साल के बाद बाबा की समाधि खुली तो मैया ने देखा है कि बाबा की समाधि खुल गई। मैया भाग करके बाबा के पैरों पर गिर गई, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बोला मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माता ने इतना कह ही पाया तब तक क्या देखा है आसमान की ओर ढोल लगाड़े बजते हुए थे। महाराज देखा है आसमान की ओर ढोल लगाड़े बजते जा रहे हैं, और जब माता ने देखा है कि ढोल लगाड़े बजते जा रहे हैं, तो मैया बाबा से सवाल करती हैं, सवाल करती हैं, बाबा ये कहाँ जा रहे हैं, ढोल लगाड़ी बजती हुई कहाँ जा रहे हैं प्रभु, ये सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने ये बात सुनी तो बाबा कहने लगे, प्यारी ये बात तुम हमसे मत पूछो। माता जिद करके रह जाती हैं, नहीं बाबा आपको बताना पड़ेगा। पहले तो बाबा ने बहुत समझाया, प्रिय ये बात तुम हमसे मत पूछो, लेकिन जब मैया जिद करके रह जाती हैं तो बाबा कहते हैं, भद्रे ये तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? बोले हाँ। क्यों? तो बाबा कहने लगे, प्यारी तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है। मेरे पिता ने यज्ञ किया है? हाँ। माता कहती है, प्रभु मेरे पिता ने यज्ञ किया है, आप तो मेरे पिताजी के दामाद हो ना, हमें और आपके लिए भी तो पत्र आया होगा। बाबा बोले नहीं, बोले ऐसा हो नहीं सकता जो पत्र ना आया हो, हो सकता है पत्र लाने वाला कहीं बीच में ही रह गया हो, यहाँ तक ना आ पाया हो, पत्र जरूर भेजा होगा। बाबा बहुत समझाते हैं माता को कि प्रिय मेरी बात मान, मेरी बात पर यकीन कर। जब माता जिद करके रह जाती हैं कि नहीं जरूर पत्र आया होगा, तो बाबा कहते हैं, देख प्यारी पत्र ना आने का एक कारण है। बोले क्या? एक बार ब्रह्मा की सभा लगी थी, उस सभा में हम सभी बैठे थे, सभी लोग बैठे थे, तो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के आने की प्रतीक्षा में थे सभी। सती जी मैं भी बैठा था उस सभा में, तुम्हें मालूम है कि सती जी एक पल भी मैं बिना प्रभु के भजन के खाली नहीं निकलने देता हूं। मैंने सोचा भी प्रभु को आने में देरी है तो क्यों न मैं थोड़ा भजन कर लूं। सती ऐसा हुआ कि मेरा समाधि लगाना हुआ और तुम्हारे पिता का आना हुआ, सभी ने उठकर के तुम्हारे पिता का सम्मान किया, लेकिन सती मैं तो प्रभु के ध्यान में लीन था, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिताजी कब आ गए। मैं समाधि में बैठा रहा, तुम्हारे पिताजी ने कटुक वचन बोल दिए मेरे प्रति, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी सती का विवाह इस भोले भंडारी के साथ कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी बेटी इस भोले भंडारी के लिए विवाह दी। देवताओं ने बहुत बड़ी गलती की है जो इस भोले भंडारी महादेव की उपाधि दे दी, ये इस लायक ही नहीं था। आज मैं भरी सभा में हाथ उठा करके कहता हूँ, आज मैं भरी सभा में हाथ उठा करके कहता हूँ, एक दिन मैं अपने आंगन में यज्ञ करूंगा, सभी देवताओं का स्थान होगा, लेकिन इस भोले भंडारी का कोई स्थान नहीं होगा। सती जी यही कारण है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सती जी कहने लगी, बाबा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करो तुम ना जाओ तो हमें भेज दो, आजकल की तरह आजकल माता बहना वैसे सुबह से काम करेंगी, दो बजे दिन में 2 बजे फ्री है,
और ज्यादा ने मालूम पड़ जाए आज अपन पीर जा रहे तो पूरी रात नींद ना पड़ेगी। रात के 1-1 बजे उठ जाए और काम करवे शुरू कर दिए और सुबह जब तक सूरज निकलेंगे तब तक काम फिनिश और नाए धो के पहन ओढ़ के चलो नाचना रहे। यानी कि हमारा मतलब यह है कि माताओं को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है। सही बात है ना, माताओं को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है। सही बता रहे। अगर पीहर को कोई जानवर या फिर मतलब भटकत वो कुत्ता हुआ जाए ना जगह आए दैया देखो मेरे यहाँ को कुत्ता आया है कभी नहीं मारा। बड़ा प्यार होता है अपने पीहर से माताओं को। तो सती जी बोली बाबा ऐसा करो तुम ना जाओ हमें भेज दो ना, मेरी सहेलियां मेरी प्रतीक्षा करती होंगी मुझे देखती होंगी। बाबा ने जवाब दिया प्यारी बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। और का बोले सब लोग ताली बजा के बोलियो।